क्या है कि जब लगा कि कुछ नहीं है तो छटपटाहट पे ये कर रहे हैं, मगर क्या बताएं, पुराने कर्म और आज के भी, न कर्नाटक की सरकार आंकड़ा जारी कर रही है जो कि वो कह रहे हैं किया हुआ रखा है, वो जारी नहीं कर रहे हैं, न हिमाचल की सरकार कर रही है और दिल्ली में आके ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है जनता को पूरी तरह समझ में आ जाता है कि चेहरे के ऊपर चेहरा लगाकर कौन कौन सा चेहरा छुपाने का प्रयास करता है, मगर हकीकत में असली और नकली चेहरा का नकाब पूरी तरीके से जनता के सामने उतर चुका है कि कांग्रेस दलित पिछड़ा और एससी एसटी की विरोधी रही है। यह आज से नहीं, 60-70 साल से इनकी स्थापित नीति है जो इनकी बिल्कुल कदम कदम पे हर स्टेप पे दिखाई पड़ती रही। ठीक है राधिका जी, आज दिल्ली में नीतीश बाबू मिलने आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनडीए में जाने के बाद। उधर अजीत पवार ही असली एनसीपी है, घड़ी चिन्ह उन्हें मिल गया है, एनसीपी अब उनकी हो गई है। इधर आपने देखा ही है उत्तर प्रदेश में आरएलडी क्या कर रही है, जयंत चौधरी भी एनडीए में चले गए हैं। उधर भगवंत मान पहले ही